फिनोमिनन हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब से लगभग लगभग 100 साल पहले की बात है लगभग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिनन डेवलप हुआ और एक ऐसा सोर्स मिल गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का जिसे हमने रिप्लेस नहीं करना। हालांकि उसे चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन हमें उसे बार बार बदलना नहीं है। सिंपल सी बात है, जनरेटर, जनरेटर, करेक्ट। अब जब जनरेटर डेवलप हुआ तो जनरेटर के डेवलपमेंट से पहले, जनरेटर के डेवलपमेंट तक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी केवल क्या था? केवल था सेल, सेल, केमिकल सेल। और सेल जितने भी हैं ये सब हैं सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट। अब तक जितने भी हमने पढ़ी है करंट वो सब डीसी, डायरेक्ट करंट पढ़ी है। फिर आएगी इनडायरेक्ट करंट, फिर एक्टिव पैसिव बनाएंगे, फिर पूरी इंग्लिश की ग्रामर वाली करंट आएगी। ये डायरेक्ट करंट कौन सी करंट होती है? जो डायरेक्शन में चेंज ना हो, डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो सर्किट में। कैसे? कि जब आप एक सेल लगाते हैं किसी सर्किट में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहां इस सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन रहता है कहां से कहां? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। और इसे आप 10 मिनट यूज करें, 2 घंटे यूज करें, सेल खत्म होने तक यूज करें, करंट की डायरेक्शन एज इट इज बनी रहेगी। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है इसमें, सर्किट में कोई चेंज आप कर दें, रेजिस्टेंस बढ़ा दें, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, सेल का ईएमएफ घट जाए तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन लगातार यही की है बनी रहेगी। इस टाइप की करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी, डायरेक्ट करंट। तो जनरेटर का आविष्कार होने के समय तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे छोटे मोटे से, छोटी मोटी चीजें थी, बल्ब, बल्ब का मुझे ध्यान नहीं कि बल्ब उस टाइम तक इन्वेंट हुआ था या नहीं हुआ था। एडिसन ने इन्वेंट किया था बल्ब, और जनरेटर पहले बनाया था, हाँ एडिसन ने बनाया था, तो वो कोई टाइम मुझे उनके याद नहीं, लेकिन छोटे मोटे थे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे जो सबके सब यू कहाँ चला करते थे? डीसी पर चला करते थे सारे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सोर्स ही डीसी अवेलेबल था, कोई और सोर्स अवेलेबल था ही नहीं। तो जनरेटर जब इन्वेंट हुआ तब जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी भी, जनरेटर का करैक्टर भी वैसा ही रखा गया जैसा सेल का करैक्टर था। यानी जनरेटर को भी इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो एक ही डायरेक्शन में करंट को लगातार मेंटेन रखे, सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, केवल सर्किट में करंट की एक ही डायरेक्शन बनी रहे और स्टेडी करंट बनी रहे लगातार। ठीक है, जनरेटर डेवलप हो गए, जनरेटर डेवलप हो गए, और सबसे पहले कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी जिसने, एडिसन उसके कंपनी के रिसर्च हेड थे, और बाकी अमेरिका के कुछ बड़े बड़े पैसे वालों ने उसको मिलाकर बनाया था। आज भी वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है। उन्होंने जनरेटर्स बनाए और इंजन उस टाइम चलते थे कोयले का इंजन, स्टीम इंजन चलते थे, स्टीम, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन डेवलप नहीं थे, कोयला डाला जाता था ट्रेन की तरह से, उससे वो स्टीम से चलते थे। एनी, वो बड़े बड़े जनरेटर बनाए और उन्होंने वो जनरेटर जगह जगह लगा दिए शहर में, बड़े बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क सिटी में, और फिर उसमें से कनेक्शन ले करके घरों में दे दिए। पंखा वंखा नहीं था, बल्ब जल जाते थे उससे और कुछ नहीं। सास बहू वाले सीरियल नहीं आया करते थे उस टाइम टीवी पर, टीवी नहीं था, तो एटलीस्ट एक लाइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी उससे।
लेकिन उस जनरेटर में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि उसकी लाइट बहुत ज़्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती थी। मतलब जनरेटर यहाँ रखा है और किले के दूसरे साइड पर हमें पहुँचानी है इलेक्ट्रिक लाइट, तो वो कामयाब नहीं होता था। कितनी मोटे कितनी बढ़िया कंपनी के ओरिजिनल तार लगा लो, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता ही लगता था यहाँ 110 वोल्ट इनिशियली 110 वोल्ट जनरेट किए गए थे, 110 वोल्ट है, वहाँ जाते जाते तो 20 वोल्ट ही रह गए, तो वो 20 वोल्ट किस काम के रहे। इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। आज हम ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, आज ये जो सब कुछ साउंड सिस्टम आपके सामने चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पड़ोस में जनरेट नहीं हो रही, ये हमसे हजारों किलोमीटर दूर कहीं जनरेट हो रही है। हो सकता है इस टाइम ये टिहरी डैम से आ रही हो, यहाँ से 450 किलोमीटर दूर, हो सकता है नरोड़ा से आ रही हो, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, हो सकता है इससे भी कहीं किसी दूर से आ रही हो। आज इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक पॉसिबल है। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं एक जगह एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कम पड़ रही है, तो दूर से दूसरी जगह से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर उसे पूरा कर लेते हैं। हजारों किलोमीटर दूर तक हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को काफी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी के इस डिस्ट्रीब्यूशन ने दुनिया बदल दी। एक बदलाव हुआ तब जब जनरेटर डेवलप हुए, जब इलेक्ट्रिक जनरेटर डेवलप हुआ, वो भी एक ऐसा इन्वेंशन था कि उसने ह्यूमन बींग्स के वर्किंग आवर बढ़ा दिए। वर्किंग आवर कैसे बढ़ा दिए कि दिया जो यहाँ था हमारा सोर्स ऑफ लाइट, नीचे था हमारी आंखों से, उसे ऊपर टांग दिया, बल्ब की फॉर्म में हमारी आंखों से ऊपर चला गया, कन्वीनियंट हो गया काम करने के लिए। और दूसरा इन्वेंशन उसके बहुत जल्दी बाद हो गया था जिसने फिर दुनिया को बदल दिया, वो था इन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के इन्वेंशन के बाद ये पॉसिबिलिटी हुई कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत दूर तक, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है इजीली। और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा सिस्टम डेवलप किया, निकोला टेस्ला, जिनके नाम पर हम टेस्ला यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो पूरी लाइफ वो उन्होंने ख़त्म कर दी, पूरी लाइफ ही ख़त्म कर दी, बीमार हो गए और आखिरकार बीमारी में ही मर गए, और इस दुनिया को वो चीज़ दे गए जिससे आज हमारी लाइफ इतनी अच्छी है। निकोला टेस्ला ने एडिसन के जनरेटर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और जो जनरेटर डीसी करंट देता था वो एक एसी करंट देने लगा। एसी करंट क्या होती है, अभी हम इसके टॉपिक के बाद एसी करंट ही पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को फिर ट्रांसफॉर्मर की मदद से घटाया बढ़ाया जाने लगा, और बहुत हाई वोल्टेज पर कन्वर्ट करके इसे दूर तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। हालांकि शुरू में बहुत इसका अपोज हुआ, और एडिसन के ये चेले तो नहीं कह सकते, एडिसन की कंपनी में ही काम करने वाले एक इंजीनियर थे ये जनरल इलेक्ट्रिक में। और जब निकोला टेस्ला ने एडिसन को एडवाइज किया कि हम इस जनरेटर में ये ऐसा चेंज करें और ट्रांसफार्मर यूज करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो जाएगा, दूर तक हो जाएगा, एडिसन ने उसका बहुत अपोज किया और उन्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। इतना अपोज किया एडिसन ने कि उन्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया और सारा मामला ठंडा हो गया। उसका एक रीज़न ये था कि एसी जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आती है, ये डीसी करंट के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। डीसी झटका मार के छोड़ देती है और एसी चिपका लेती है, ये बड़ा फैक्टर है, बड़ा गड़बड़ है ये। और वहाँ उस टाइम में सभी ने इस बात को अपोज किया कि अगर गलती से किसी पे लग गई तो ये
एसी छोड़ेगी नहीं तब तक जब तक कि आदमी जल के ख़त्म ना हो जाए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि एसी इज़ अनसेफ एज कम्पेयर टू डीसी। डीसी भी खतरनाक होती है, डीसी से भी इंसान मर सकता है कोई भी, लेकिन वहाँ चांस कम होते हैं क्योंकि वो झटका मार के छोड़ देती है। हम सीखेंगे इस बात को कि क्यों वो झटका मार और एसी चिपका लेती है और तब तक चिपकाए रखती जब तक कि बिल्कुल जल करके ख़त्म ना हो जाए। कई बार आपने देखे भी होंगे ऐसे हादसे होते हैं कि वर्चुअली बॉडी में आग लग जाती है, आग लग जाती है बिल्कुल। तो इस बात पर उनका अपोज हुआ, बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, जनरल इलेक्ट्रिक से उन्होंने निकाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा, वो मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे और पूरा वो सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया। जनरेटर से एसी मिलने लगी और फिर उस एसी का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा बहुत दूर तक, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक। और उनकी मौत के बाद अल्टीमेटली जनरल इलेक्ट्रिक ने वही सब कुछ अडॉप्ट कर लिया जो उन्होंने 25 साल पहले, अपने मरने से 25 साल पहले अडॉप्ट करने के लिए कहा था। और आज भी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है आज तक भी, वो सब बिल्कुल निकोला टेस्ला के बताए हुए तरीकों पर ही काम कर रहा है। अब कैसे ट्रांसफार्मर या क्यों ट्रांसफार्मर उन्होंने डेवलप किए और क्यों उन्होंने जनरेटर में चेंज किया, तीन उन्होंने इन्वेंशन किए बहुत ही काम के। पहला तो इन्वेंशन उन्होंने ये किया कि जनरेटर को डीसी के बजाय एसी पर ला दिया। दूसरा एक और उन्होंने इन्वेंशन किया था जिसकी वजह से आज हम इन पंखों की हवा ले पाते हैं, इंडक्शन मोटर। इससे पहले जनरल इलेक्ट्रिक ने मोटर बनाए हुए थे लेकिन वो मोटर एफिशिएंट नहीं थे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, भारी भरकम होते थे, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती थी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते थे तब कहीं जाकर के आटे की चक्की घूम पाती थी, बहुत ज़्यादा बिल देना पड़ता था। और उन्होंने एसी मोटर डेवलप किया, इंडक्शन मोटर डेवलप किया जो बहुत अच्छा एफिशिएंट था, बहुत कम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता था पहले वाले मोटर के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ हल्का था, सस्ता था और लॉन्ग लाइफ था। और तीसरा इन्वेंशन उन्होंने किया इलेक्ट्रिक एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्या प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम आती क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूर तक ले जाने में। आपका यहां एक पावर हाउस है जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं और यहां आपका इसका यूज है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ये आपका घर है और ये पावर हाउस है, आपको चाहिए 220 वोल्ट। तो पावर हाउस ने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करी एट 220 वोल्ट। कितनी एनर्जी जनरेट करी इसने, पावर डेवलप करी, हम लेते हैं 10 मेगावाट, 10 मेगावाट की एनर्जी इसने जनरेट कर दी, कितने 220 वोल्ट पर। आपका घर ये रहा, पावर हाउस और आपके घर के बीच का डिस्टेंस, पावर हाउस और आपके घर के बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। अब क्या होने वाला, देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पावर इज इक्वल टू है वी इंटू आई, याद है पावर का फॉर्मूला। तो जब 10 मेगावाट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की गई, 200 वोल्ट ले लेता हूं मैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए, तो फिर करंट कितनी है, पी अपॉन वी, 10 मेगा, मेगा का मतलब 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 200, कितनी करंट जनरेट होगी, ये होगी 5 into 10 to the power 4 एम्पियर, 50,000 एम्पियर की करंट, 50,000 एम्पियर की करंट। आप एक एम्पियर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जानते हैं कितना होता है, एक एम्पियर नहीं, 5 एम्पियर आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके घर में, अगर किसी के घर में वो फिलामेंट वाला स्प्रिंग वाला हीटर है, अगर 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट का छोटा वाला, हल्का वाला, वो 5 एम्पियर की करंट ड्रॉ करता है, 5 एम्पियर की करंट ड्रॉ करता है। और अगर 2 किलोवाट वाला है तो वो 10 एम्पियर की करंट ड्रॉ करता है।
आप देखते हैं उसमें कितने मोटे मोटे तार लगाने पड़ते हैं आपको 10 एम्पियर टॉलरेट करने के लिए। ये अगर मेरे स्पैन के बराबर का मोटाई वाला तार ले लिया जाए तो ये 50 एम्पियर करंट टॉलरेट कर लेगा, कॉपर का, बढ़िया ओरिजिनल कॉपर का तार होगा, 50 एम्पियर ये टॉलरेट कर लेगा। तो 50,000 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए कितना मोटा तार चाहिए? तार नहीं चाहिए, इतना मोटा पेड़ का सा तना चाहिए जो 50,000 एम्पियर की करंट अपने अंदर से सेफली पास करा ले। कहां से आएगा इतना कॉपर? 10,000 किलोमीटर तक लेके जाना है, सारी दुनिया का कॉपर मिलके भी वो तार नहीं बना पाएगा आपके घर तक, करेक्ट? कंडीशंस बदलते हैं, कंडीशंस बदलते हैं। पावर हाउस ने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करी उतनी ही, 10 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करी, लेकिन आपने इस 200 वोल्ट को बढ़ाकर किसी तरह, कैसे बढ़ाते हैं अभी हम समझेंगे, किसी तरह इन वोल्ट्स को बढ़ाकर 200,000 वोल्ट्स कर दिए। कितने वोल्ट कर दिए? 200,000 वोल्ट्स। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कितनी रहेगी? कितना बना? 5×10^1, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी हो गई? जस्ट 50 एम्पियर है, इतना मोटा तार काम कर जाएगा। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि इतना मोटा वायर 50 एम्पियर बहुत आराम के साथ टॉलरेट कर लेगा, कॉपर का वायर, इससे भी पतला तार कर सकता है 50 एम्पियर। इतना बड़ा तार तो हजारों साल करता रहेगा, सैकड़ों साल करता रहेगा, खराब नहीं होगा, फूकेगा नहीं। आप सोचिए कि जहां इतना मोटा पेड़ के तने के जैसा तार यूज करना था, वहां केवल इतना सा तार यूज करना पड़ा, इतना पतला। तो डिस्ट्रीब्यूशन में वायरिंग की कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। और इतने मोटे मोटे तार को हैंडल करने के लिए खंभे कितने मोटे मोटे बनाने पड़ते? खंभे क्या होते हैं? फिर तो वो पिलर्स होते हैं ऊंचे ऊंचे, और इतने पतले तार को रोकने के लिए आप जानते हैं, एक साधारण सा आपने गाटर खड़ा कर दिया, तार खींच दिया उसके ऊपर। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि 200,000 वोल्ट तो आपके घर में यूज नहीं होने है ना। अच्छा देखिए, इस तरीके को इस्तेमाल करने पर, हाई वोल्टेज पर इस्तेमाल करने पर क्या हुआ? पहला आसानी तो हमारे लिए ये हो गई कि वायरिंग की कॉस्ट कम हो गई, वायरिंग करना आसान हो गया, खंबे हमारे हल्के हो गए, तार पतले हो गए, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गई, और इनका मेंटेनेंस, इनका इंस्टॉलेशन आसान हो गया। एक और फायदा होता है, क्या? आपके घर और पावर हाउस के बीच में 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो भी वायर आप यूज करेंगे, चाहे कितने ही बढ़िया हो, कितने ही मोटा हो, कुछ ना कुछ तो ओमिक रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना इस वायर का। तो हम ये कह रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस का वायर कुछ भी नहीं, बहुत मामूली सा 1 ओम/किलोमीटर कह देते हैं कि 1 किलोमीटर लंबे तार का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 10,000 किलोमीटर जाना, 10,000 किलोमीटर आना, कितना, चलो एक ही साइड लगा लेते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया इस वायर का? रेजिस्टेंस हो गया 10,000 ओम। एक ही वायर यूज किया जाता है, दूसरा वायर अर्थ को यूज कर लेते हैं, अर्थ को भी एक वायर की तरह यूज कर लेते हैं, 10,000 ओम। करंट कितनी? 50,000 एम्पियर। तो कितनी हीट जनरेट होगी? करंट है I²R। कितनी करंट हीट जनरेट होगी? I²R। I² 50,000 का स्क्वायर इंटू 10,000 कितना आएगा? पता चलेगा जितनी भी एनर्जी इसने जनरेट करी है, ये सारी एनर्जी तो वायर में हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, दूसरे के जहां यूज करना वहां तक तो कुछ पहुंचा ही नहीं, वहां तक तो ये सेल जैसा भी काम नहीं करने वाला। लेकिन इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए जरा ध्यान से, जहां 50,000 एम्पियर थी करंट, वहां 50 एम्पियर है, 1,000 गुना कम हो गई। हीट कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²।
जब आपने करंट को 1000 गुना कम कर दिया, यहां से 1000 टाइम्स कम है ये, तो हीट जनरेटेड कितनी कम हो जाएगी, 1000 के स्क्वायर के में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि कितनी हो गई है, ये तो 10^6 टाइम्स कम हो गई। अगर यहाँ 10^6 जूल खर्च हो रहे थे तो यहां केवल कितना जूल खर्च होगा, 1 जूल खर्च होगा। करंट कम कर देने से दूसरा फायदा क्या हुआ, करंट कम कर देने से दूसरा फायदा हुआ, आपने कभी वर्ड सुना होगा लाइन लॉस, लाइन लॉस नहीं अभी नहीं सुना आप, लाइन लॉस कम हो गया। लाइन लॉस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो लॉस जो पावर हाउस से चलकर आपके घर तक बीच में तारों में खत्म हो जाता है, लाइन लॉस कम हो गया। दो फायदे हुए, एक तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर हल्का हो गया और दूसरा लाइन लॉस कम हो गया, करेक्ट। लेकिन आपके घर पर 200,000 वोल्ट तो यूज नहीं होंगे, वहां तो 200 वोल्ट चाहिए, तो फिर क्या काम किया जाता है, ये काम किया जाता है सारा ट्रांसफॉर्मर से। कैसे किया जाता है, पावर हाउस पर, पावर हाउस है, पावर हाउस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है 25,000 वोल्ट पर। वहां के जो जनरेटर है हमारे घरों वाले जनरेटर से अलग होते हैं, 25,000 वोल्ट पर जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और 25,000 वोल्ट को एक ट्रांसफार्मर लगा करके बदल दिया जाता है 33000 वोल्ट पर। ये 33000 वोल्ट ही क्यों रखा जाता है, इसकी एक अलग कहानी है। और जहां से यूज करना है वहां पर फिर एक ट्रांसफार्मर लगाया, और इस ट्रांसफार्मर से कितने वोल्ट डेवलप कर लिए, 200 वोल्ट। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कम वोल्टेज को बढ़ाए, आपका स्टेबलाइजर क्या है, एक सिंपल ट्रांसफार्मर है उसके अंदर रखा हुआ। जब आपके यहाँ लाइट कम आ रही, वोल्टेज कम आ रही है, बढ़ा देता है। जब आपके यहाँ लाइट बहुत तेज आ रही है, एक्सेसिव आ गई, तो ये घटा देता है। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर नाम ही इसका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है वोल्टेज को आपकी डिजायर्ड वैल्यू पर। क्या काम किया, निकोला टेस्ला ने कहा कि देखो हम एसी जनरेटर यूज करते हैं, और एक्चुअली ये जो ट्रांसफार्मर है अभी हम पढ़ेंगे इसका पूरा कैसे काम करता है, ये डीसी पर काम नहीं कर सकता, ये केवल एसी पर ही काम करता है, एसी क्या होती है इसे भी पढ़ेंगे हम। तो निकोला टेस्ला ने कहा कि देखो जी जनरेटर से एसी बनवा लो, एसी बनवाओ, एसी को उसको स्टेप अप कर दो, वोल्टेज बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगी, पावर सेम रहेगी, उस हल्की सी करंट को पतले तारों से दूर तक ले जाओ, फिर वहां एक ट्रांसफार्मर रखो, उस हाई वोल्टेज को वापस लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो। ट्रांसफार्मर दो काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा लेकिन करंट बढ़ा देगा, और जहां इसने वोल्टेज को बढ़ाया वहां करंट कम कर देगा, दोनों ही तरह से काम कर लेता है। तो पावर हाउस पर वोल्टेज बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगी, जहां इसको यूज करना है वहां वोल्टेज डिक्रीज करा दो, स्टेप डाउन करा दो, तो करंट ज्यादा मिल जाएगी, सारे काम बन जाएंगे। और आज तक भी वही तरीका अपनाया जा रहा है कि पावर हाउस पर वोल्टेज बढ़ा दिए जाते हैं, करंट कम कर दी जाती है। एक्चुअली वोल्टेज से कोई रिलेशन नहीं होता किसी भी कंडक्टर का, उसका मतलब है सिर्फ करंट से। ये कंडक्टर 10 वोल्ट पर भी काम करेगा, ये कंडक्टर 1,00,000 वोल्ट पर भी ऐसा ही काम करेगा। फर्क इसे पड़ना है कि इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर 10 वोल्ट पर आपने इसके अंदर से 100 एम्पीयर की करंट फ्लो करा दी, फूक जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। आपने 1,00,000 वोल्ट पर इसके अंदर से 1 करंट फ्लो करा दी, चलता रहेगा, कुछ नहीं होने का इसे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल। करंट से मतलब है इसे, तो क्योंकि हीट जनरेट होती करंट के अकॉर्डिंग, करंट से जनरेट होती। करंट आपने कम कर दी, दूर तक चले गए, वहां आपने वोल्टेज को वापस नीचे ला दिया, फिर से करंट आपकी बढ़ गई, वोल्टेज डाउन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ये सब किससे, ट्रांसफार्मर से, करेक्ट। अगली हेडिंग नाम डालते हैं ट्रांसफार्मर।